आई एम बैक, टाई बांध नहीं आती क्या आपको? तो आ गया, कैसे हो दोस्तों? आज मैं दूंगा आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल कि मैं अपनी वीडियोस को फोन से कैसे एडिट करता हूँ। हमारी फैमिली के जिन मेंबर्स को नहीं बता, बता देता हूँ कि हमारी सारी वीडियोस फोन से ही एडिट होती हैं, फोन से ही शूट होती हैं। वीडियो बनाने के लिए मैं सैमसंग A5 2016 मॉडल यूज करता हूँ। इवन ये वीडियो भी उसी फोन से शूट हो रही है, और एडिट करने के लिए अब से पहले तो उसी फोन से एडिट कर रहा था, लेकिन फिलहाल नोट 8 ले रखा है। एडिट करने के लिए मैं पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन यूज करता हूँ, एंड्रॉइड ऐप है, और थंबनेल बनाने के लिए पिक्से प्रो का यूज कर रहा हूँ। जो पावर डायरेक्टर या एंड्रॉइड जो आपको खरीदना पड़ेगा, वरना वाटरमार्क आएगा, तो पेड वर्जन आपको खरीदना पड़ेगा। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि मेरे पास कोई लैपटॉप कोई कंप्यूटर नहीं है, मैंने लिया ही नहीं है, क्योंकि सारे का सारा चैनल हमें जितना भी कामयाब होना है मिलके, मैं साबित करना चाहता हूँ कि फोन से ही अधिक से अधिक कामयाबी पाई जा सकती है। तो अब तक जो भी आप देख रहे हो टेक्निकल दोस्त फैमिली, जहां भी पहुंची है, सब कुछ मॉनिटर फोन से ही हुआ है। अपलोड, एडिटिंग, जो भी कुछ थंबनेल, जो भी कार्य किया गया है, वो केवल फोन से ही किया गया है। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं छोटा सा ट्यूटोरियल, चला दे भैया। तो दोस्तों ये है मेरा नोट 8, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन, यहाँ पर ऐप देख रहे हैं, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह ये प्रकट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पर क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट टू स्टार्ट एडिटिंग। तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसका जो भी नाम लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, इसका नाम लिख देते हैं। यहाँ पर ओके करने के बाद आप इसमें एंटर हो जाएंगे। ओके जी, यहाँ पर आपको ये वो क्लिप्स देखने को मिल रही हैं जो आपके फ़ोन में हैं, जो भी आपके स्टोरेज में है। मैं इस स्टोरेज में, मैं इस क्लिप को ले लेता हूँ एडिट करने के लिए। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ही इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको प्ले करके भी देख सकते हैं, ठीक है। गाने को आपको मर्ज कर लेना अलग से, वो मैंने मर्ज कर रखा है, ठीक है। देन अब यहाँ पर ये क्लिप जितनी भी हमें एडिट करनी है, उतने को एक बार हम क्रॉप कर लेते हैं। जितना हिस्सा में, मान लो यहाँ से मुझे शुरू करना है, तो यहाँ से कट करके हमने जो बेकार का हिस्सा वो निकाल दिया। अभी आप इफेक्ट देख रहे हो, तो यहाँ पे हम जूम वाला इफेक्ट लेंगे। तो यहाँ पर एक क्लिप को हम कट कर लेते हैं, ये पार्ट हमने इससे कट कर लिया है। तो थोड़ा सा इसे जूम, यहाँ पर एडिट में जाएंगे, जहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा। क्रॉप के ऑप्शन के बाद इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, ठीक है, इस तरह जूम कर लेंगे। इस तरह से जब आप इसको रीप्ले करेंगे, हम देखते हैं रीप्ले करें किस तरह का इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे जब रीप्ले करें तो इस तरह जूम आएगा, ठीक है, ये एक इफेक्ट हो गया। अगले इफेक्ट की बात करते हैं, बीटन इफेक्ट, जिसमें इसमें वो कहते हैं स्क्रीन आगे पीछे जाती है वो। तो यहाँ पे इस पार्ट में हम कट लगा रहे हैं, ठीक है, और इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं इफेक्ट, ये एफएक्स जो लिखा है ये इफेक्ट्स हैं। अब अगर आप एफएक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये सारे इफेक्ट जिन्हें मैं यूज़ करता हूँ वो इसमें है। जिसकी मैं बात करूँ, जिसमें आप कहते हो स्क्रीन भैया आगे पीछे हो रही, तो वो ये वाला है, बीटन वाला, ठीक है। इसको जब इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम लेते हैं, ये डिले वाला भी जो आप यूज़ करते थे, तो ये बीटन वाला है, इसे हम इसमें पुट करते हैं। तो अब आप जब प्ले करके देखेंगे तो देखो आप अलग ही तरह का आपको दिखेगा। ये देखो, ये जूम हुआ है और ये बीटन हुआ है। वाह, क्या बात है। थर्ड इफेक्ट की बात करते हैं, डिले वाले की। आपको फिर से एक पार्ट लेना है जिसपे हम डिले इफेक्ट का, मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। फिर से आपको इस इफेक्ट में आना है, और ये डिले वाला इफेक्ट, ओके। डिले पे क्लिक करेंगे तो अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह का इफेक्ट आएगा। ये बात, इसे मैं आई एम बैक में भी यूज़ करता हूँ। अब बात करते हैं थर्ड इफेक्ट की, जिसमें कंटिन्यूस शूटिंग की बात होती है, वो जो छोटे छोटे पिक्चर्स आके चली जाती है। तो मैंने ये पार्ट लिया है, फिर से मैं इफेक्ट में जा रहा हूँ, और यहाँ पर ये वाला मिलेगा कंटिन्यूस शूटिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे, जब आप इसको प्ले करेंगे तो देखो ये तो हो गया भैया डिले, और ये हो गया कंटिन्यूस शूटिंग। इस तरह का इफेक्ट आप प्रयोग कर सकते हो। अब चलते हैं सबसे पॉपुलर इफेक्ट, जिसमें लोग कहते हैं भैया लास्ट में कार्टून आ जाता है, जिसे प्रिज्मा इफेक्ट की भी बात करते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल जिस क्लिप को मतलब एंड में ले जाना है, तो वहाँ पर आपको पॉज करना होगा। और यहाँ पर जैसे मैंने पॉज कर दिया, अब मुझे इसका फुल स्क्रीन लेके स्क्रीनशॉट लेना होगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट इसका लिया, इसको हम स्क्रीन के हिसाब से ले लेते हैं, क्योंकि नोट 8 में बाहर चला जाता है। तो इसे हमने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, और अब इसकी हम प्रिज्म यहाँ से इसको कट करके एंड वाले पार्ट को बिल्कुल हटा दो, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ख़त्म करना होगा हमें। अब जाते हैं प्रिज्मा ऐप में, प्रिज्मा ऐप जिसमें आदमी के थोपड़े को बिगाड़ देती है, वही प्रिज्मा ऐप है। तो मैं प्रिज्मा ऐप में जा रहा हूँ। प्रिज्मा ऐप पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गैलरी में जाके
हम प्रिज्मा ऐप में, ये देखो ये देख रहे हो टेढ़ी मेढ़ी पोजिशन लेके, तो ये वाला हमें प्रिज्मा ऐप में यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं अच्छा नेट ऑन करना पड़ता है क्योंकि प्रिज्मा ऐप बिना ऐप के नेट के नहीं चलता है, तो मैं यहाँ पे ये वाला इफेक्ट यूज़ करता हूँ, नाम मोना केक पोका जो भी है समझ लेना आप, इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये प्रिज्मा इफेक्ट में बदल जाएगा, इस तरह आप इसे सेव कर लीजिए। और अब आपको वापस पावर डायरेक्टर में जाकर वहाँ पर दोबारा से इसमें यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस बार इमेजेस में जाना है, यहाँ वीडियोज़ हैं, हमें जाना है इमेजेस में, ये इमेजेस बीच वाले में देख रहे हो आप, ये इमेजेस में जाना है। एंड यहाँ पे प्रिज्मा का फोल्डर आपको मिल जाएगा, ये देखो, और यहाँ पे ये वाला पिक आप पुटअप करेंगे, डन। इसे थोड़ा लॉन्ग कर लीजिए ताकि इफेक्ट और लंबे समय तक दिख आए, भैया हो जाए जूम, हो गया। इसको थोड़ा लॉन्ग कर लेते हैं, एक बात ध्यान से सुनना, एक बात। दूसरी बात, इसे थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है, क्रॉप के ऑप्शन में जाके सेलेक्ट करो, अरे हो हो, पहले तो तू अपना रोटेट हो जा। तो यहाँ पे हम जूम करेंगे, हल्का सा जूम करेंगे, एक बात। दूसरी बात, ट्रांजिशन लेंगे फेड वाला, फेड ट्रांजिशन मिलेगा आपको ये वाला, ठीक है, इस ट्रांजिशन को इसमें ऐड करेंगे, और ट्रांजिशन की जो टाइमिंग है वो 0.3 आप रखना, 0.3 0.1 है, 0.3 से ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब ये दो हो गई हैं, तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इस क्लिप को सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का कुछ ऑप्शन बनेगा, लेकिन एक और चीज़ रह गई है जिसे आप सेलेक्ट करेंगे, और ये पैन एंड जूम के ऑप्शन में कस्टम मोशन में जाकर आप इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, लाइक ये चुना मैंने यहाँ पर, यहाँ पे आप इस एंड पोजिशन को थोड़ा सा जूम कर लीजिए, ओके डन, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाके अच्छा लगे। अब जब आप इसको प्ले करेंगे और ये जब एंड होगा तो ये कुछ इस तरह ख़त्म होगा, इस तरह। और आप इसके नीचे हिस्से में सॉन्ग पुटअप कर सकते हैं जहाँ भी ये गाना ख़त्म होता है, 1000 रुपये का फ्लाइट का कैशबैक नहीं चाहिए भैया, तो मैंने सॉन्ग ऐड किया, तो जब आप इसको देखेंगे तो अब ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देगा, ये है। ये सब करने के बाद आप इसको फाइनली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये प्रोड्यूस का मतलब ये प्रोड्यूस हो जाएगा, रेंडरिंग हो जाएगी, और जब ये रेंडरिंग होगी तो रेंडरिंग होने के बाद ये कुछ इस तरह पाया जाएगा, ये फुल हो जाएगी, तो जब हम इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। अरे की जान, बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया, खुद ही माल ने बढ़ाई, कोई और तो करता नहीं। तो देख लिया भैया ऐसे था, और डिटेल ट्यूटोरियल के लिए आपको इसी ऐप की वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, और हमारे कुछ प्यारे यूट्यूबर्स ने भी इसका डिटेल ट्यूटोरियल दे रखा है, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको ज्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए, ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, मैं एक संबंधित वीडियो उसे भी आप देख लेना, जिसमें आपको बाकी जो भी चीजें रह गई हैं वो शायद उसमें आपको पता चल जाएगी। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई यूट्यूब चैनल खोलने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, महंगा सेटअप चाहिए, और पापा की पद्धति पे जाके बैठ जाते हैं, नहीं पापा मुझे तो पैसे दो, DSLR खरीदना, ये करना है, वो करना है, उनसे कह रहा हूँ नहीं भैया जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही पूरे YouTube को मॉनिटर कर सकते हो। मैं Google Chrome का यूज करता हूँ और क्रिएटर स्टूडियो ऐप का प्रयोग करता हूँ, मतलब सारा जो चैनल है वो फोन से ही मॉनिटर हो जाता है। तो फिर भी आपको सिर्फ अपने कंटेंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बढ़िया कंटेंट डालना, चाहे कोई से मोबाइल से किसी भी तरह का, मतलब ज्यादा महंगा सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड जो है उसी से काम चला लो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि यदि आप सब्जी बढ़िया बनाते हो ना, तो फिर उसे चाहे दोने पत्तल में दे देना तब भी अच्छी लगेगी, और यदि आप सब्जी घटिया बनाते हो तो सोने चांदियों की कटोरी में दे देना तब भी कोई नहीं खाएगा। उसी तरह आपका कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, तो लिमिटेड साधन के साथ बैकग्राउंड नॉर्मल हो तब भी लोग देखेंगे, और यदि आपका कंटेंट ही खराब है ना, तो भैया सोने की चैन पहन के भी बताना तब भी कोई नहीं देखेगा। तो भाई पहचानो खुद को और जुट जाओ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम और आप मिलके जब तक हमारी टेक्निकल दोस्त फैमिली 1 मिलियन नहीं हो जाती, मैं बिल्कुल भी कोई लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं लूंगा, और हम ट्राई करें कि हम आप और मिलके एक उदाहरण बन सके कि कामयाबी के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, लिमिटेड साधनों के साथ भी कामयाबी पाई जा सकती है, और उसके बाद भी जरूरत नहीं पड़ी तो तब भी नहीं लेंगे। और अर्ज किया है कि खास हो आप, पहचानो खुद को, प्रतिभा का कोई चेहरा या कोई आवाज नहीं होती, बहाने बनाने छोड़ दो भैया, क्योंकि कामयाबी पैसों की मोहताज नहीं होती। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, यूं ही मत चले जाना, और दिल की प्यारी प्यारी बातों को मुझे कमेंट में जरूर कह देना, और मेरे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर मौसम के लिए भी इंसानों को जिम्मेदार ठहराते हैं। शर्मा जी यार ठंड करवा दी आपने।